सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इंडियन देसी घी को और घी से जुड़े वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सर्दी के मौसम में कई तरह की परेशानियां आम हैं। सर्दी, जुकाम, बुखार, स्किन और बालों से जुड़ी समस्याएं, शरीर में दर्द और भी काफी कुछ। इस मौसम में आपकी इन ढेर सारी समस्याओं से आपको एक चीज आराम पहुंचा सकती है और वो है देसी घी। सर्दी के मौसम में हमारा खान पान काफी बदल जाता है। भारत के कई हिस्सों में इस दौरान सरसों का साग, मक्के की रोटी, बाजरा की रोटी जैसे भारी व्यंजन बनाए जाते हैं और इनका स्वाद बढ़ाता है देसी घी। लेकिन क्या आप जानते हैं, देसी घी सिर्फ स्वाद बढ़ाने का काम ही नहीं करती, सर्दियों में ये आपको अंदर से भी मजबूत करती है। न्यूट्रिशनिस्ट भी इसकी सलाह देते हैं और मानते हैं कि गर्मी की तुलना में देसी घी का सेवन सर्दी के मौसम में ज्यादा करना चाहिए। सर्दी का मौसम देसी घी के सेवन के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है। ये ठंड में शरीर को जरूरी गर्मी देता है। देसी घी को ब्रेन फूड कहा जाता है क्योंकि ये आपके दिमाग के लिए बहुत फायदेमंद है। इसके साथ ही देसी घी में विटामिन ए होता है जो आंखों की रोशनी के लिए काफी अच्छा होता है। देसी घी आई प्रेशर को कंट्रोल करता है और ग्लूकोमा के मरीजों के लिए फायदेमंद मानी गई है। आपको बता दें, हमारे आयुर्वेद में खाद्य पदार्थों की यानी कि खाने वाली चीजों की तीन तरह की तासीर बताई गई है। पहली है ठंडी, दूसरी गर्म और तीसरी सामान्य। देसी घी गर्म तासीर वाली श्रेणी में आता है, इसीलिए इसे सर्दी में खाने की सलाह दी जाती है। ये शरीर को ठंड से भी बचाती है और ऊर्जा भी देती है। सर्दी में होने वाली कुछ समस्याएं आम हैं जिनका इलाज देसी घी चुटकियों में कर सकती है। सर्दियों में कोल्ड और कफ से बचना है तो न्यासा क्रिया अपनाएं। जी हाँ, इस क्रिया में देसी घी की कुछ बूंदे रोजाना सोने से पहले नाक में डाल सकते हैं। ऐसा करने से आपको कोल्ड और कफ कभी नहीं सताएगा। सर्दियों में ड्राई स्किन के प्रॉब्लम भी आम है। देसी घी से मालिश करने और खाने में इसे लेने से आपको रूखी त्वचा से छुटकारा मिल सकता है। नहाने से 15 मिनट पहले देसी घी की मसाज त्वचा में ग्लो लाती है। इसके अलावा सर्दियों में कई लोग कब्ज की समस्या से भी दो चार होते हैं, ऐसे में देसी घी रामबाण इलाज है। सोने से पहले एक कप गर्म दूध में 2 चम्मच घी मिलाकर पियेंगे तो आपको काफी बेहतर महसूस होगा। यह आपके पाचन क्रिया को दुरुस्त करती है। सर्दियों में बालों की समस्या भी आम है। रूसी, झड़ना, ड्राइनेस होना, ये सब प्रॉब्लम होती है। देसी घी से चंपी करना आपके बालों को मजबूती देगा। चंपी के बाद 40 मिनट तक बालों को ऐसे ही रहने दें और फिर इन्हें धो लें। आपको फर्क साफ नजर आएगा। तो इन सर्दियों में 1 से 2 चम्मच देसी घी का सेवन परिवार में सभी लोग करें, आपको बहुत फायदा होगा। वो लोग जो डॉक्टरी परामर्श से खान पान ले रहे हैं, उन्हें इसके लिए अपने डॉक्टर से राय जरूर लेनी चाहिए। देसी घी से जुड़ी और जानकारी के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन पर दिए लिंक्स पर जरूर जाएं। यहाँ शुद्ध घी खरीदने से जुड़ी जानकारी भी मौजूद है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन देसी घी को और घी से जुड़े वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए।